जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड एएससी सेंटर बेंगलोर की। दोस्तों, काफ़ी समय से आप सभी एडमिट कार्ड का इंतज़ार कर रहे थे और पन्ना दोस्तों पूरी तरह से बदल चुका है, तो यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुकी है और आपके दोस्तों एडमिट कार्ड भी जो है रिलीज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो बच्चे हैं जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि सर जो न्यू पोस्ट के एडमिट कार्ड जो हैं आपके कब तक रिलीज किए जाएंगे, तो फाइनली दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल जो है जानने वाले हैं कि आपका जो है एडमिट कार्ड कब तक जो है रिलीज किया जाएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुआ है लेकिन रिलीज हुआ है, उसकी एग्ज़ाम डेट क्या रखी गई है, तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों एएससी सेंटर बेंगलोर की काफ़ी सारी सीरीज़ यानी काफ़ी सारे वीडियो हमारे इस चैनल पे आ गए हैं और आपके एक एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव जो है आप सभी के लिए रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी जो कट ऑफ होगी, एग्ज़ाम होगा, ये बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों जो है मार खाते हैं कि जो है कट ऑफ की आ जाता है क्या नहीं जाता है। ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा प्रूव्ड कर चुके हैं और आपने कट ऑफ वाला वीडियो ज़रूर दोस्तों एग्ज़ाम के लिए देखकर जाना। अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तो आप शायद बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो मिस कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, ये मैं डेफिनेटली के साथ दोस्तों कह सकता हूं, क्योंकि मैंने दोस्तों काफ़ी समय से एससी बेंगलोर में काम कर रहा हूं, तो इस चीज़ का जो है मुझे काफ़ी जो है नॉलेज हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो एक तो यही आ रहा है कि सर हमें एससी बेंगलोर वाला जो है व्हाट्सअप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें आपकी चैट भी हो रही है, मैं आपको एक बार दिखा भी दे। देखो यार, अभी तक वही ऑथेंटिक कैंडिडेट ही यहाँ पे जुड़ पा रहे हैं, यानी वही कैंडिडेट यहाँ पे जुड़ पा रहे हैं जो रियल में एएससी बेंगलोर, क्योंकि आपका धीरे धीरे करके जो है कैंडिडेट जुड़ रहे हैं। और एक अच्छी सी बात यही है, क्योंकि यहाँ पर बकवास होना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों जो एएससी बेंगलोर से संबंधित नहीं होती हैं, इसलिए मैंने लिंक को बहुत ज़्यादा जो है सेक्रेट किया गया है। और जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है उनको मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, भाई आपको इतना ही अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे कोर्स, क्योंकि भाई मैंने बता दिया है कि उसी पोस्ट के अंदर आपका जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो भाई आप एग्ज़ाम में ऑप्शन कैसे ढूंढोगे भाई, कैसे अंदाज़ा लगाओगे, तो एक आपके लिए दोस्तों चैलेंज भी है वो। देखो गूगल में सर्च कर लेना स्टडी मटेरियल ए टू जेड डॉट इन और यहाँ पर आप आ जाना। आने के बाद कुछ नहीं करना, एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे चले जाना और इस पे चले जाने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एससी बेंगलोर वाला दिख रहा है। इस पोस्ट के अंदर मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, अगर अब भी नहीं मिल रहा है तो भाई छोड़ दो, आप जो है ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है भाई, मैं बार बार यार क्या ही बताऊँ आपको। तो दोस्तों अब रुक करते हैं आपके एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग, जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आपकी आ रही है 24 जुलाई 2023, 6:30 बजे टाइम है। फायर इंजन ड्राइवर, दोस्तों फायर इंजन ड्राइवर का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, लेकिन आपकी डेट काफ़ी ज़्यादा यहां पे जो है दोस्तों देखने को मिल रही है। अब एक चीज़ दोस्तों क्लियर हो रही है कि यहां पे देखिए द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल इंक्लूड फिजिकल एंड स्किल टेस्ट, ट्रेड मेंशन एडवर्टाइजमेंट, रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट फू क्वालिफाई, जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसी का फिजिकल जो है आपको यहाँ पे कहा गया है। देखिए ऑन ब्रिंग क्वालिफाइड इन फिजिकल एंड स्किल टेस्ट सक्सेसफुली कैंडिडेट रिटन टेस्ट विल बी कंडक्ट 21 जुलाई, यानी दोस्तों यहाँ पे पहले क्या करवाया जाएगा, पहले फिजिकल होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा 31 जुलाई को। ये लो क्लियरनेस आ चुकी है और दोस्तों काफ़ी बच्चे हैं, इसका मतलब आपके जो है दोस्तों एएससी बेंगलोर के अंदर जो है फॉर्म अप्लीकेशन अप्लाई किए हैं और जो है एएससी जो है दोस्तों आपका काफ़ी समय तक जो है आपका एग्ज़ाम भी चलने वाला है। तो अब देखिए दोस्तों जो है जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ ड्राइवर का एडमिट कार्ड कब आएगा, चौकीदार का एडमिट कार्ड कब आएगा, तो दोस्तों जुलाई आपका जो है आपके सामने है,
जुलाई के अंदर आने, यानी कि पूरे अभी जो है एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम डेट जो है पूरी जुलाई में जाने के पूरे पूरे चांस हैं। और एमटीएस चौकीदार का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अप्लीकेशन फॉर्म लगे हैं, ये तो कन्फर्म हो चुका है। और एससी बेंगलोर के अंदर आप दोस्तों ये हलवा नहीं है कि आप जो है देख सकते हैं दोस्तों, अब रिपोर्टिंग भी चेंज हो चुका है। देखिए नंबर ऑफ गेट एससी सेंटर कॉलेज एससी बेंगलोर कर्नाटका। देखो यार मुझे व्हाट्सअप नंबर बार बार कैंडिडेट पूछते रहते हैं, चलो मैं आपका व्हाट्सअप नंबर भी डाल देता हूँ। तो ये अपने व्हाट्सअप नंबर रहते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना, ये नंबर गेट वो अब आपकी लोकेशन भी चेंज होना लग गई है और आप यहाँ पे आसानी से दोस्तों यहाँ पे जो है सारी चीज़ें कंडक्ट होगी। जिनके कम यहाँ पे दोस्तों जैसे पोस्ट हैं तो उनका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और रिटर्न एग्ज़ाम आपका लगभग जो है करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो यार दोस्तों, यहाँ पे दोबारा भी जाना पड़ेगा कैंडिडेट को। देखो 24 जुलाई को इनका यहाँ पे दोस्तों रिपोर्ट करना है, फिर 21 को जो है क्वालिफाई कैंडिडेट को, 31 को फिर जो है जस्ट ही बुला लिया गया है। तो ये मान के चलते हैं कि दोस्तों अगस्त तक जो है पूरा जो है मैटर चलने वाला है आपका एससी बेंगलोर का, और जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जुलाई और अगस्त ये दो मंथ के अंदर दोस्तों जो है पूरी प्रोसेस कंडक्ट होगी। तो जो ड्राइवर और जो यहाँ पे चौकीदार के एडमिट कार्ड बचे हैं उनका भी बहुत जल्द जो है रिलीज कर दिया जाएगा कैंडिडेट का एडमिट कार्ड। तो आप जो है आसानी से दोस्तों पूरी अपडेट हमारे चैनल से ले सकते हैं, जुड़ के रहना। मैं तो ये बार बार आपको कहूँगा क्योंकि दोस्तों कोई नहीं देगा आपको, केवल एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया जाएगा। हम एक ऐसा चैनल होगा जिसमें आपको एससी बेंगलोर का जब तक जॉइनिंग लेटर यानी आपकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक हमारी वीडियो जो है दोस्तों इस चैनल पे आती रहेगी। और आपसे एक वादा भी किया था कि सर एक वीडियो आप हमारे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक आप लेकर आइएगा। तो हम लगातार आपका प्रयास कर रहे हैं, जो भी आ रहा है वो बिल्कुल नया आ रहा है। और दोस्तों मुझे जब लगेगा कि आपका नया नहीं रहा है तो आपके लिए वीडियो आना भी बंद हो जाएगी। तो क्योंकि जो नई नई चीज़ें हैं जो आपको जानने को मिलती है दोस्तों वो इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। और दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप का और ये जो है मैंने सीक्रेट इसलिए रखा हूँ कि यार भाई आप ही देखना, इतना ज़्यादा बकवास होना स्टार्ट हो जाएगा कि अगर मैं आसानी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। क्योंकि अपने साथ दोस्तों 85,000 लोग जो हैं देख रहे हैं और आपका व्हाट्सअप ग्रुप जो है तुरंत भर जाएगा, इसलिए हम ग्रुप को नहीं देते हैं लिंक। क्योंकि यार चैट वाले ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना डिमांड आती रहती है और वो बकवास करते रहते हैं, इधर उधर की लिंक डालते रहते हैं। और साथ में दोस्तों जो आपके यहाँ पे इधर उधर की जो आपकी मार्केटिंग वगैरह करनी होती है तो वो इस प्रकार के ग्रुप्स को जो है पकड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है होने लग जाती है। इसलिए हम जो है सीक्रेटली आपके लिए लिंक दे रहे हैं। बट जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, आप वीडियो को हमारे कंटिन्यू देखोगे तो भी आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे भाई सारफ तरीके के हैं उन्होंने जो है भाई ज्वाइन कर लिया है ढूंढ ढूंढ के जो है ग्रुप को। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम डेट बदल गया है और आपका रिपोर्टिंग समय वगैरह भी और आपका गेट वगैरह भी और आपका स्टेशन भी। तो आप देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारी गेट आपकी एससी के अंदर हैं और सारी प्रोसेस यहाँ पे पूरा जिम्मा जो है आपके सामने है। तो हमने आपके लिए अपडेट कर दिया है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आप जो है लेकर चले जाना, जो आपके 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सभी ओरिजिनल लेकर जाने हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी चीज़ें, जरक्टर सर्टिफिकेट, ये आप रेडी कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों यही छोटी सी एक अपडेट देनी थी। और एक बच्चे ने जो है ये एडमिट कार्ड शेयर किया था, उनका दिल से धन्यवाद। और आप भी अपना एडमिट कार्ड जो भी आ रहे हैं तो शेयर करते रहें। जय हिंद।